देखिए, जब भी कभी सफाई सुथराई की बात हो, कभी साफ़ पानी की बात हो, कभी बिजली की बात हो, तो कराची को पाकिस्तान के साथ ना काउंट किया जाए। पूरे पाकिस्तान में क्या सफाई के नाम पे खैरात जमा की जाती है? शहरियों को उनके हकूक देने के लिए भीख मांगी जाती है? कराची में तो हम तो आदी हो गए हैं पिछले 10 सालों से। हमने तो यही देखा, कभी सिंध गवर्नमेंट कचरे के नाम पे पॉलिटिक्स कर रही है 100 रोज़ा मुहिम, कभी कोई कर रहा है 25 रोज़ा मुहिम, कभी कोई 15 रोज़ा मुहिम, कभी कोई 2 हफ्ते में कराची चमका देगा अगर आवाम चंदा दे दे, खैरात दे दे। वो शहर जो पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वहाँ के शहरियों को साफ पानी नहीं मिल रहा। पिछले 15 दिन से लोगों के घरों में मिट्टी वाला पानी आ रहा है। उसके अलावा आप शहर की अगर आप सफाई की बात करते हैं, तो हमारी तो वो सारी चीज़ें है ही नहीं जहन में, कोई ऐसी बात ही नहीं। हमें याद ही नहीं कि हमने आखिरी बार कब साफ़ सुथरी सड़कें देखी थी। हम तो ये देख रहे हैं कि लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हम कराची को साफ़ करेंगे, एक अकाउंट बना रहे हैं, लाएँ खैरात दीजिए, चंदा दें, सदका दें, भीख दें, मतलब इससे शहर चलेगा। तो मैं इसलिए आपसे पहले तो ये गुजारिश करूंगा कि कराची को पाकिस्तान के साथ ना मिलाएं। आपने किसी भी अपने नुमाइंदे से ये नहीं पूछा कि आपने लाहौर साफ करने के लिए भीख मांगी, आप लोग कशकोल लेके लोगों के घरों पे गए, भाई टैक्स किस चीज़ का ले रहे हो? तो कराची के साथ जो दरिंदगी हो रही है उसको पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल ना मिलाएं। कराची वालों के साथ जो रुसवा किया जा रहा है कराची वालों को, कराची वालों को मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पर्सनली इस चीज से इत्तेफाक करती हूं कि कराची को हम पाकिस्तान के साथ ही लेते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कराची के अंदर जो इख्तदार में बैठे हुए लोग हैं वो हमेशा कराची को पूरे पाकिस्तान से अलग कर देते हैं अपनी कमियों की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से। मगर कराची भी उसी तरह से है जैसे मुल्क के दीगर शहर, मुल्क के दीगर इलाके हमारे लिए ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कराची शहर के लोग जिस आपको मैं कल रात में ईद के तीसरे दिन भी थाने में बैठा हुआ था के इलेक्ट्रिक ने जिस तरह कराची में 55 लोग मारे हैं और 800 से ज़ायद कुर्बानी के जानवर मार दिए, मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं है। मेरा 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख का जानवर मर गया, मेरे पूरे ख़ानदान में मजाक उड़ा, मैं मेरे बच्चे परेशान हो गए जहनी तौर पर, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कुछ भी। मैं कहता हूँ उस पूरी सूरत हाल में कोई सुनने वाला था? कोई एक शख्स जिसको मैं बताऊं कि मेरी 3 लाख या 2 लाख की जमा पूंजी मैं अपना दीनी फरीजा ही अंजाम नहीं दे सका, कोई सुनने वाला नहीं है। इस वक्त ये पोजीशन है कि मुझे अभी फ़ोन आया है, लुट गोट है बिल्कुल समंदर के किनारे, वहाँ पर शहबाज नामी लड़का जो 3 बहनों का इकलौता भाई था वो 11 और 12 अगस्त की दरमियानी शब करण लगने से मरा। जब उसकी फैमिली FIR कटवाने गई तो के इलेक्ट्रिक ने बोला कि अगर इसकी FIR कटी पूरे गाँव की बिजली बंद कर देंगे, पूरे गोट की। ये कराची शहर की बात कर रहा हूँ मैं।